हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियोस में 10 नंबर तक लेटेस्ट वर्कआउट के 10 नंबर तक जो है हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो अब हम लोग 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। नंबर 11 में क्या लिखा है? लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर व्हिच द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम विल बी रुपीज 168। तो बोलता है कि लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब साल निकालो कितने साल में जो है फॉर विच इन द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 600, मतलब 600 रुपये का इंटरेस्ट जो है 168 रुपया हो जाता है। कितने साल में 600 रुपये का इंटरेस्ट 168 रुपया हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कितना हो 8% हो, ठीक है। तो रुपी प्रिंसिपल कितना है, कितना नंबर, 11 नंबर प्रिंसिपल कितना है, पी हो गया रुपीस 600 और आई हो गया रुपीस 168, आर कितना है 8%। तो हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। तो चूंकि आई का फॉर्मूला है पी इंटू टी इंटू आर बाई 100 और आई कितना है इंटरेस्ट 168, पी कितना है 600, तो 600, टी कितना है, टी तो निकालना है, आर कितना है 8% नीचे कितना 100, तो 0 0 कैंसिल। उसके बाद 8 1 8 8 2 16 8 1 8, उसके बाद कितना बचा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना, तो 3 2 6 3 7 21, तो इधर कितना बचा और 2t और इधर कितना 7, इधर बचा 2t और इधर 7, तो और टी को रख लेंगे 7/2। जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 3 6 होल 3, 2 3 6/2। कैसे, इधर देख लीजिए 2 7 2 3 6 बचेगा 1, 1 ऊपर चला जाएगा रिमाइंडर और 2 नीचे, तो होल 3 1/2। देयर फोर नंबर ऑफ ईयर्स लिख सकते हम लोग, या फिर लिख सकते टाइम कितना, होल 3 1/2 ईयर्स, ये हो गया आंसर। उसके बाद हम लोग नंबर 12 सॉल्व करेंगे। नंबर 12, इफ आई गेट रुपीज 1200 रिटर्न एज अमाउंट, मतलब इफ आई गेट रुपीज 1200 रिटर्न एज अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मतलब मैं अगर, यहाँ पर बोलता है कि मैं अगर 1200 रुपये रिटर्न पाता हूँ अमाउंट के तौर पर, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी होगा, अमाउंट का मतलब क्या, पी प्लस आई, बाय डिपॉजिटिंग रुपीस 800, मतलब 800 रुपये जमा करके अगर मैं 1200 रुपये पाता हूँ इन द बैंक, कहाँ पे, बैंक में, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% पर एनम सालाना, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर विच द मनी वॉज डिपॉजिट इन द बैंक। तो कितने टाइम के लिए जो है वो रुपया बैंक में जमा किया गया था, 800 रुपया जब हो गया मेरा कितना 1200 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो यहाँ पर भी टाइम निकालने बोलता है। तो यहाँ पर हम लोग 12 नंबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी कितना है, पी हो गया 800 और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 1200, तो 400 रुपया भर गया, तो 400 रुपया क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ, देर फोर इंटरेस्ट कितना हो गया 400, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कितना 10%, तो टाइम निकालना है, तो चूँकि पी आई का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू टी इंटू आर बाई 100 और आई कितना है 400, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 400, पी कितना है 800,
यहाँ लिख सकते हैं 800। टाइम, टाइम तो निकालना है, टाइम निकालना है, आर कितना है 10%, तो 10 नीचे कितना 100, 0 0 0 0 कट गया, 1 0 1 0 काट दो, 8 1 जै 8 8 5 जै 40, तो टी कितना आ गया, देयर फोर टी कितना 5, और टाइम कितना हो गया 5 ईयर्स, हो गया आंसर। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा था शायद, तो अब देख लीजिए। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।